दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत की संसद का जो सेंट्रल हॉल है उसमें पंखे उल्टे लगे होते हैं? पर ये पंखे उल्टे क्यों लगे होते हैं? और क्या आप जानते हैं कि जो दुनिया का पहला मोबाइल फोन था उसमें सिर्फ 3 कॉन्टैक्ट नंबर सेव किए जा सकते थे, मतलब सिर्फ 3। और दोस्तों, जरा ये फोटो देखिए, है ना एक मोबाइल फोन। पर दोस्तों, आपको कैसा लगेगा जब मैं आपको बताऊंगा कि ये सेल फोन 100 या 200 नहीं बल्कि पूरे 1300 साल पुराना है? दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में आप सबसे अमेजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हो। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, ये फोटो देखने से लगता है ना कि ये एक सेल फोन है। साल 2015 में ऑस्ट्रिया में खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को ये सेल फोन जैसी दिखने वाली चीज मिली थी। दोस्तों, ये चमड़े का बना हुआ है। पर दोस्तों रुको, फैक्ट यही नहीं खत्म हुआ। जब कार्बन डेटिंग से इस चीज की जांच की गई तो पता चला कि ये सेल फोन करीब 1300 साल पुराना है, जबकि दोस्तों सेल फोन का आविष्कार तो 1980 के दशक में शुरू हुआ था। तो ये 1300 साल पहले किसने बनाया, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, आपने अक्सर फिल्मों में ये जरूर सुना होगा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, पर दोस्तों आप ये वीडियो देखो, आपको यकीन हो जाएगा कि ताली एक हाथ से भी बज सकती है। दोस्तों, इनका नाम अभिनव टेंगरमान है और इनके नाम एक हाथ से ताली बजाने का रिकॉर्ड दर्ज है। और आप ये जानकर चौंक जाओगे कि इन्होंने 1 मिनट में 100 या 200 बार नहीं बल्कि 427 बार ताली बजाई है। इतना तो शायद हम अपने दोनों हाथों से भी ना बजा पाए। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि अगर आप अपने अलार्म की धुन वही रखो जो कि आपके मोबाइल की रिंगटोन है तो आपको उठने में आसानी होगी। मतलब जब भी आपका अलार्म बजेगा आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका फोन आया है और आपको उसे देखने के लिए जागना ही होगा। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, भारतीय रेलवे की पहली महिला ड्राइवर को तो आप जानते ही होंगे, जिनका नाम सुरेखा यादव जी है। और शायद आप ये भी जानते होंगे कि शिवानगी जी इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि DTC की पहली महिला ड्राइवर कौन है? नहीं जानते तो जान लीजिए, इनका नाम वेंका तर्थ सरिता है। दोस्तों, ये DTC की पहली महिला ड्राइवर है। हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि ये जानकारी आपके कुछ खास काम नहीं आने वाली, पर यही छोटी छोटी चीजें हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा बदलाव लाती है, और ये बात तो आप भी मानोगे। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, आपने आंखों की तरह तरह की बीमारी के बारे में सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक इरिडोडोनेसिस नाम की भी बीमारी मौजूद है। इस बीमारी में जो आंखों का आयरिस पार्ट होता है वो जब आंखों की मूवमेंट होती है तब कांपने लगता है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे पानी में कोई चीज हिल रही हो। दोस्तों, ये बीमारी तब होती है जब हमारी आंखों में मौजूद लेंस सस्पेंसरी लिगामेंट से पार्शियली अलग हो जाता है। क्या इससे पहले आपको इस आई डिसऑर्डर के बारे में पता था? फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो बृहस्पति ग्रह है वो इतना बड़ा प्लैनेट है कि उसमें 1300 अर्थ समा सकते हैं। इतना बड़ा है जुपिटर। पर दोस्तों, आप जानकर चौंक जाओगे कि सन यानी सूरज जो है वो पृथ्वी के मुकाबले इतना बड़ा है कि उसमें 1300000 अर्थ समा सकते हैं। मतलब जुपिटर जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है वो भी सन के आगे बस एक कण के बराबर है। ये है सूरज की पावर। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, आपने कॉटन कैंडी जरूर खाई होगी और आपको ये भी पता होगा कि ये दांतों के लिए कितनी हानिकारक होती है, और इसे ज्यादा खाने से आपको डेंटिस्ट के पास भी जाना पड़ सकता है। पर क्या आप ये बात जानते हो कि कॉटन कैंडी को जिसने बनाया था वो खुद एक डेंटिस्ट थे, उनका नाम विलियम मॉरिसन था। दोस्तों, कहीं उन्होंने ये इसलिए तो नहीं बनाया था कि लोग इसे ज्यादा खाएं फिर उनके दांत खराब हो और फिर लोग उनके पास इलाज के लिए आए जिससे उनका बिजनेस बढ़े? मतलब पूरी सोची समझी प्लानिंग। दोस्तों, सीरियस मत होना, ये बस एक मजाक था, पर ये सच है कि इस डेंटिस्ट ने ही कॉटन कैंडी को बनाया। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, इस कैमरे को देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा है। इसे 1899 के अंत में जॉर्ज आर लॉरेंस ने बनाया था और इसका नाम मैमथ रखा था। दोस्तों, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसका वजन कितना होगा। दोस्तों, 1 या 2 या 50 किलो नहीं, इसका कुल वजन 635 किलो था। और दोस्तों, आप जानकर चौंक जाओगे कि इससे एक फोटो खींचने के लिए 15 आदमियों की जरूरत पड़ती थी। 635 किलो का कैमरा, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं होता। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, ये जो आपको चेयर दिख रही है ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस चेयर है जो कि अलाबामा US में मौजूद है। और दोस्तों, इसकी हाइट 33 फीट है ना अमेजिंग चेयर, पता नहीं कौन बैठता होगा इस पर। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम कब और कहां लगा था?
दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम 2010 में चीन के शंघाई शहर में लगा था, जो कि लगभग 100 किलोमीटर लंबा था। और आपको यकीन नहीं होगा ये जानकर कि ये जाम 12 दिनों तक रहा था। मतलब एक या दो घंटे नहीं, 12 दिन का जाम। अजीब है पर सच है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हो कि जो एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उनका सूट इतना कीमती होता है कि उनका सिर्फ एक सूट बनाने में 1.2 करोड़ डॉलर लगते हैं। 1.2 करोड़ डॉलर अब भी कम ही लग रहा होगा ना। हाँ, हमें रुपए सुनने की जो आदत हो गई है, तो सुनो, रुपए में इस एक सूट की कीमत 75,24,05,400 रुपये है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आपको पता है रोल्स रॉय का इंजन इतना शांत होता है कि अगर आप उसमें बैठे हो और गाड़ी चल रही है तो आपको इंजन की आवाज़ तक सुनाई नहीं देगी, बल्कि आप अपने घड़ी की टिक टिक वाली आवाज़ सुन पाओगे। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता, पर क्या आप जानते हो कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एकमात्र ऐसे इंसान थे जो 4 बार राष्ट्रपति बने थे। वो अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे और वो सन 1933 से 1945 तक 4 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आपने दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे पहली फोटो को देखा है? नहीं ना, तो ये देखिए, यह दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात फोटो दोस्तों 1916 में इसे फ्रांस के फोटोग्राफर निसेफेर नेप्सी ने खींचा था। और दोस्तों इसी के साथ ये फोटो भी देखिए, ये दुनिया का वो सबसे पुराना फोटो है जिसमें एक इंसान था। इसे 1938 में पेरिस में खींचा गया था। इसमें आपको एक आदमी जूते पॉलिश करवाता हुआ दिख रहा होगा। तो दोस्तों आप ये कह सकते हो कि ये दोनों वो पहले व्यक्ति बने जिनकी फोटो खींची गई थी। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आप बता सकते हो कि जो जेब्रा एनिमल होता है वो वाइट होता है या ब्लैक? मतलब होता तो दोनों ही है, पर उनका मेन कलर क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जेब्रा काले रंग का होता है, सफ़ेद रंग की तो उस पर धारियां होती हैं। तो दोस्तों अब जब भी कोई आपसे जेब्रे का रंग पूछे तो बेफिक्र होकर ब्लैक कहना। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों किसी भी चीज़ की लत को एक दिन में बदला नहीं जा सकता। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको इस फैक्ट में देने जा रहा हूँ। दोस्तों हाईवे रोड्स वगैरह पे गाड़ियाँ हमेशा लेफ्ट साइड में चलती है, पर दोस्तों 1965 में स्वीडन में गाड़ियों को लेफ्ट की जगह राइट साइड में चलाने का ऑर्डर दिया गया, और उसके अगले ही दिन का ट्रैफिक तो आप देख ही सकते हो। मतलब लोगों को पता है कि हमें गाड़ियाँ राइट साइड में चलानी है, पर क्योंकि ये उनकी आदत नहीं है इसलिए इतना भयंकर ट्रैफिक जाम लग गया। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों जब भी पिरामिड्स की बात होती है तब आपके मन में ये पिरामिड्स आते होंगे, पर दोस्तों ये देखिए, यह है दुनिया का सबसे बड़ा कॉइन पिरामिड, सिक्कों से बनाया गया पिरामिड। दोस्तों इसे 2014 में लिथुनिया के वॉलंटियर्स ने बनाया था। इसे बनाने में लगभग 10 लाख सिक्के लगे थे। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों जरा इस इमेज को देखिए, इसमें कुछ लोग पानी को हाथी के ऊपर डाल रहे हैं, पर यही सबसे अजीब इत्तेफाक होता है, क्योंकि जब वो पानी को हाथी के ऊपर फेंक रहे होते हैं तभी फोटो क्लिक हो जाती है, और जो वो पानी की शेप होती है वो भी एक हाथी के फेस जैसी होती है। दोस्तों बहुत से लोगों ने कहा कि ये एडिटिंग का कमाल है, पर जब इस फोटो की बारीकी से जांच करी गई तब पता चला कि ये बिल्कुल असली है और ये एक महज इत्तेफाक था जिससे इतनी अमेजिंग फोटो खिंच गई। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला मोबाइल फोन मोटोरोला कंपनी ने बनाया था, जिसका नाम मोटोरोला डायनाटेक 8000X था। दोस्तों इसका आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था, जो कि मोटोरोला कंपनी के सीनियर कर्मचारी थे। आजकल के मोबाइल में तो जितने चाहे उतने कॉन्टैक्ट नंबर सेव हो जाते हैं, और दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि इस फोन में सिर्फ 3 कॉन्टैक्ट नंबर सेव किए जा सकते थे। दोस्तों अगर आपके पास ये मोबाइल होता तो आप किन 3 लोगों के नंबर सेव करते, कमेंट में ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 1 सुनने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपके मेरे और सबके घरों में पंखे तो लगे ही होते हैं, और दोस्तों कैसे लगे होते हैं? जाहिर है छत से नीचे की तरफ लटकते हुए। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश की जो संसद है उसमें पंखे उल्टे लगे हैं, यानी जमीन से ऊपर की तरफ। तो क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हो कि पंखे उल्टे क्यों लगाए गए हैं? दोस्तों दरअसल इसके पीछे की वजह इसका आर्किटेक्चर है। जब संसद भवन बनी तब इसकी गुंबद को ही इसका मेन पॉइंट माना गया, जिसकी वजह से उसे बहुत ऊंचा रखा गया। दोस्तों ये बात साल 1921 की है। अब उस वक्त तो एसी नहीं होते थे और सीलिंग ऊंची होने के कारण पंखे लगाना भी काफी मुश्किल था।
वहीं बहुत ज्यादा लंबे डंडों के सहारे पंखे लगाने से संसद की खूबसूरती पर असर पड़ रहा था। ऐसे में खंभों पर पंखे लगाने की तरकीब सोची गई। दोस्तों फिर क्या था, सेंट्रल हॉल की लंबाई को ध्यान में रखते हुए खंभे बनाए गए और उस पर पंखे लगाए गए, जिससे हॉल के कोने कोने में इसकी हवा पहुंचे। लेकिन दोस्तों जब बाद में एसी लगाने की बात हुई, तब इन पंखों को हटाने की जगह लोगों ने ये सुझाव दिया कि इन्हें उल्टा लगा दिया जाए, जिससे संसद की ऐतिहासिकता और खूबसूरती बनी रहे। तो दोस्तों यही था उल्टे पंखों के पीछे का कारण। तो दोस्तों कमेंट में बताएं आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट कौन सा लगा। बाकी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर देना यार।